हेलो फ्रेंड्स अबॉम वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जिन्हें या तो हाई बीपी की प्रॉब्लम है या फिर वो लोग अपने मोटापे से परेशान हैं दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी बेनिफिशियल डाइट जिससे कि आप अपना बी को कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही साथ आपका वज़न भी कम होगा यदि अभी अभी आपको पता चला है कि मेरा बीपी जो है मुझे बीपी की प्रॉब्लम हो गई है ब्लड प्रेशर हाई रहता है आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं इस चीज की वजह से तो ये जो वीडियो है ये आपको देखना बहुत जरूरी है या फिर यदि आप बहुत सालों से बीपी की प्रॉब्लम बीपी की प्रॉब्लम की वजह से दवाइयां लिए जा रहे हैं और किसी भी कुछ भी करके आपका बीपी जो है कंट्रोल नहीं हो रहा है तब भी आपको ये वीडियो देखनी है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे पॉइंट्स आपको जो है पता चल सके तो सबसे पहले एक जो डाइट है ना वो हेल्दी होनी बहुत जरूरी है अब आज जो मैं डाइट बताऊंगी इससे आपको कोई कमजोरी भी फील नहीं होगा और साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नेचुरल तरीके से कंट्रोल होता रहेगा तो सबसे पहले जब आप लोग सुबह उठें तो आपको एक ग्लास मेथी का पानी लेना है आपने करना क्या है आप एक रात पहले ही एक कॉपर के जार में एक चम्मच मेथी भिगो के रखें और अगले दिन उसको बॉईल करके आप सिप सिप करके पिए या फिर आप ऐसे ऑल्टरनेट कर सकते हैं एक दिन मेथी का पानी लेना है दूसरी चॉइस मैं दे रही हूं आपको क्या करना है एक पौधे लहसन की लेनी है एक गिलास गर्म पानी में आधा नींबू डालकर इसको ले सकते हैं तो आप ऑल्टरनेट डेज आप इसके फिक्स कर दीजिए ठीक है उसके बाद आता है ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट में आप क्या लेंगे सबसे पहले जो आपकी ब्रेकफास्ट की प्लेट है उसमें क्या क्या होना चाहिए उसमें घिया टमाटर चुकंदर और आंवला का जूस होगा इसके साथ आपको लेना है सीड्स का मिक्सचर मार्केट में सीड्स का मिक्सचर अवेलेबल होता है जिसमें कि सनफ्लावर सीड्स पंपकिन सीड्स फ्लैक्स सीड्स चिया सीड्स ये सारे सीड्स का मिक्सचर जो है वो होता है या आप अमेजॉन या ऑनलाइन साइट से भी मंगा सकते हो किसी भी ऑनलाइन साइट से मंगा सकते हो ठीक है तो और साथ में आप लेना है आपको लेना है एक वॉलनट और चार से छह भीगे हुए बादाम, ठीक है इसके बाद आप इसके साथ क्या ले सकते हैं या तो आप एक वेजिटेबल सैंडविच ले लीजिए या फिर आप ले सकते हैं पालक और मेथी की एक रोटी अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आप एक सैंडविच भी ले सकते हैं या फिर और अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो आप ओट्स भी ले सकते हैं आपको जो है नमक जो है अपने खाने में वो कम रखना है और ऊपर से नमक बिल्कुल नहीं डालना ठीक है इसके बाद मिड मॉर्निंग के ऑप्शन के तरफ आते हैं तो इसमें आप या तो ग्रीन टी ले सकते हैं या एक ग्लास छाछ ले सकते हैं बिना नमक की या फिर आप ले सकते हैं नारियल पानी अब बात करते हैं लंच की तो लंच करने से आधा घंटा पहले आप एक ग्लास गर्म पानी में दो चम्मच सेब का सिरका डाल कर लेंगे अगर आपको डायबिटीज भी है बीपी के साथ तो ये आपके डायबिटीज को भी कंट्रोल करेगा ठीक है अब लंच में आप क्या लेंगे आप सबसे पहले एक प्लेट सैलेड लेंगे आप इसमें सौते वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं या रॉ वेजिटेबल की सैलेड भी ले सकते हैं ठीक है ठीके? सारी हरी सब्जियों की तरफ आपको ज्यादा फोकस करना है आप इसके बाद खाने में लेंगे एक या दो चपाती साथ में आप दाल भी ले सकते हैं या कोई भी हरी सब्जी ले सकते हैं अगर आपको राइस खाने का मन है तो आप ब्राउन राइस लीजिए सेकेंड ऑप्शन आता है आप ब्राउन राइस पुलाव भी ले सकते हैं और थर्ड ऑप्शन आता है आप वेजिटेबल दलिया भी ले सकते हैं दोस्तों अब बात करते हैं इवनिंग स्नैक्स के बारे में तो इसके ऑप्शंस में आपको देती हूँ या तो आप ले सकते हैं वेजिटेबल सूप या फिर आप ले सकते हैं नारियल पानी या फिर आप ले सकते हैं ग्रीन टी या ब्लैक टी इसके साथ आप ले सकते हैं कुछ रोस्टेड मखाने लेकिन आप लोगों को कॉफी बिल्कुल नहीं लेनी है ठीक है इसके बाद बात करते हैं डिनर की डिनर आप लोगों को सात बजे ही करना है आप इससे लेट डिनर नहीं करेंगे सात से साढ़े सात के बीच में आपको अपना डिनर फिनिश कर देना है तो इसमें आप क्या लेंगे इसमें आप मिलेट्स दलिया ले सकते हैं मिलेट्स खिचड़ी ले सकते हैं या फिर आप वेजिटेबल दलिया भी ले सकते हैं मिल्क दलिया ले सकते हैं मिल्क कोट्स ले सकते हैं या फिर आप एक गिलास दूध के साथ एक केला भी ले सकते हैं और इसके अलावा आप ग्रिल्ड फ़िश भी ले सकते हैं फ़िश सालमन फ़िश ही ले और फ़िश जो है ये बहुत बेनिफिशियल होती है बीपी के पेशेंट्स के लिए या फिर आप ग्रिल्ड पनीर भी ले सकते हैं आप ध्यान रखिए आपके खाने में नमक जो है बहुत लिमिटेड होगा और आप सिर्फ़ सेंधा नमक ही लेंगे और यदि आप दही या छाछ ले रहे हैं या सैलड ले रहे हैं तो ऊपर से नमक बिल्कुल नहीं डालेंगे ठीक है इसके बाद आपको डिनर के बाद आधे घंटे की वॉक ज़रूर करनी है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग रात को वॉक करने जाएं, और आने के बाद आप एक गिलास गर्म पानी ज़रूर पिए अच्छा सोने से पहले आपको एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है जो कि मैं आप पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ उसको आपको कैसे करना है आप सीधे बैठ जाए शांत मन से आराम से बैठें उसके बाद आप एक डीप ब्रीथ लेंगे इनहलेशन करेंगे पाँच तक की गिनती गाएंगे एक दो तीन चार पाँच और मुंह से अपनी जो श्वास है उसे छोड़ेंगे इससे आपका माइंड बहुत रिलैक्स होगा दिमाग बिल्कुल खाली लगेगा लाइट महसूस करेंगे आपकी बॉडी को बहुत फ़ायदा होगा आपको नींद बहुत अच्छी आएगी तो इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को कम से कम दस बार आप रिपीट कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये करने के बाद आपको क्या क्या फ़ायदे हुए हैं दोस्तों ये जो डाइट है ये आपको ना सिर्फ बीपी कंट्रोल करने के लिए अच्छा है बल्कि आपको वजन भी कम करेगी आप इस डाइट को रेगुलर कीजिए मैंने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं सो so दैट आप बोर ना हो और लंबे समय तक ये डाइट जो है वो आप आ, कर सकें तो दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर श्वेता आप सभी की दोस्त आप सभी की वेल विशर दोस्तों यदि आपको हेल्थ रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूंगी आप सभी का के सवालों का जवाब देने के लिए दोस्तों मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन एंड कंसल्टेंट हूं तो यदि आपको होम्योपैथी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों फिर मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड गुड लक